चाबी गाड़ी में है कि मेरे पास है? गाड़ी में है ना, मेरी यही आदत है। मॉल में क्या, मैं चाबी ना मतलब गाड़ी में या घर में छोड़ देता हूँ यार। ढाई महीने से ऊपर हो गए भाई घर के बाहर, ढाई महीने से बाहर हूँ, बाइक पे हूँ, सोचो घर वाले कैसे होंगे। या वो बैटरी जो है एकदम 80% चार्ज है, बैटरी 80% चार्ज है या वो। मुझे क्या पता भाई, जिसमें नंबर दिया है कोई और आ जाएगा। तो ये गेट इसलिए खटखटा रहे, सुबह के 3 बज रहे हैं अजमेर में, और पता नहीं बाहर से कैसे गेट बंद हो गया भाई। कोई है क्या? चिल्लाइए क्योंकि यही ऑप्शन है। आजू बाजू वाले जग जाएंगे भाई, अच्छा उनको उठाना पड़ेगा यार। बोले भाई तुम्हारी नींद खराब है तो हमारी क्यों खराब कर रहे हो। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस। साक्षात भगवान इंसान के रूप में आए और हमारा रूम का दरवाजा खोला, ओके, और हम यहाँ पे बाहर आ पाए, वरना हम इस अंदर चिल्लाते रहते पता नहीं। लेकिन कौन कमबख्त बाहर से बंद करके भाग जाता है यार, चिल्ला रहे थे खोलो है ही नहीं। तो यहाँ पे आ चुकी है बारी हम दोनों को अलविदा कहने की। भाई साहब कैमरे के सामने, बुरा नहीं जाए, देखो अभी जाएंगे तभी तो वापस आ मिलेंगे हम, ओके। कैमरा स्टार्ट हो गया और हमारे दोस्त यहाँ रेडी हो गए, लेकिन चाय वाला नहीं मिला। बारिश आए तो यस, ओके चलो बाय बाय बाय। सो यहाँ से दोस्त चले गए और यहाँ से हम चल रहे हैं। यह पहले तो पेट्रोल लेना है मुझे गाड़ी में। यहाँ पे अपना किलोमीटर हो रहा है 26,090 किलोमीटर, और यहाँ पे अपना 14,000 किलोमीटर हो गया है। गाड़ी में क्या हो गया, लाइट वाइट अचानक से सब बंद हो गया, सिग्नल भी नहीं काम कर रहा है। वाह, पता नहीं मैंने अपने दिमाग में भी सोचा नहीं कुछ, गाड़ी का जो लगता है फ्यूज कोई उड़ गया, लाइट का कोई लाइट नहीं जल रहा है ना, सिग्नल जल रहा है, बट गाड़ी जो है अब वो भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ना हॉर्न बज रहा है। लो सो दोस्त को बाय बोला ही था और अजमेर से कुछ 30 या 35 किलोमीटर बाहर आया और सडनली बीच रास्ते में लाइट बंद, और वहाँ पे दुकान वुकान भी नहीं था और मैं डर गया कि ये क्या हो गया, और गाड़ी चल रही है अब यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही है, और लाइट नहीं रहेगा, इंडिकेटर्स नहीं रहेंगे, हॉर्न नहीं रहेगा, तब तो भाई बहुत मुश्किल है। मैं सोच रहा था कि मैं रुक के इसका ना इंडिकेटर फ्लैशिंग का वायरिंग कर दूँ, और देखो ये लाइट चला गया। आज तक के राइड में मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है। अभी जो चाबी है ये सीट लॉक में यहाँ पे जा रहा है, बट लेकिन ये यहाँ से खुल ही नहीं रहा है, नथिंग वर्क। सो कैसे ना कैसे इसका एक दूसरा चाबी मिला जो मैंने चाबी बनवाया था, और फ्यूज बॉक्स को बाहर निकाला और चेक किया तो देखो ये फ्यूज जो है उड़ गया है। अगर इसको ऐसे आप देखेंगे, ऐसे कैमरे में नहीं बट ऐसे आप देखेंगे तो ये फ्यूज देखो आधा आधा हो चुका है। अब इसको कैसे जुगाड़ करना मैं आपको बता दूँ, एक वायर लेके इसमें हम जोड़ देंगे, और आपके पास एक्स्ट्रा फ्यूज ना हो तो कुछ इस तरह वायर यूज करके आप देखोगे तो मैंने फ्यूज को रेडी कर दिया है, ओके। अब देखते हैं क्या होता है। तो अगर ये फ्यूज वाला सिस्टम अगर आप नहीं समझ पाओगे ना, तो आपको कोई भी आके आदमी आराम से मतलब एक टाइम पे इमरजेंसी में उल्लू बना सकता है, और आपको या आप पता भी नहीं चलेगा यार। आपको नहीं बोल रहा मतलब ऐसा ना सभी के साथ हो जाता है। चलिए, बाइक के साथ छेड़छाड़ किया है, इसका सबूत यहाँ पे इंजन चेक लाइट जल रहा है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है कि ये इंजन चेक लाइट क्यों जल रहा है, बिकॉज ऑफ मैंने वो जो फ्यूज है वो जुगाड़ में बनाया है। लेकिन ये कुछ देर तक रहेगा, और जब बाद में गाड़ी एकदम नॉर्मल चलने लगेगी मतलब काफ़ी देर तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये फ्यूज ये इंजन चेक लाइट है ये भी गायब हो जाएगा। इस टनल के बाद सीधा आ जाता है उदयपुर, और उदयपुर पहुँचते मैं यहाँ पे 10 बज गए, एग्जैक्ट 3 बजे हम अजमेर से निकले थे, बीच में गाड़ी ख़राब हो गई, 4 बार झपकी आया, जिसके वजह से मतलब झपकी आ रहा था तो मैं सीधा ब्रेक ले रहा था और चाय पी रहा था, आराम कर रहा था, मतलब रिक्स नहीं कि झपकी में मैं गाड़ी चलाऊँ, तो बिना रिक्स लिए हम यहाँ तक आराम से आए, मतलब 5 4 5
छः सात आठ नौ दस, यार 7 घंटे लग गए हमको आने में, मतलब इतना आराम करते करते आए हम। और इसके बाद बस सीधा उदयपुर, वहाँ पे हम ऑमलेट, यस हाँ बता दिया आपको, वही खाएंगे। हमने यहाँ पे टोटल राइड किया 335 किलोमीटर अजमेर से यहाँ तक। ये हम एक अनजान हाईवे पे रुके हैं, अच्छे से होटल दिखाई दिया तो रुक गया, हमें पार्किंग अच्छा मिला और बैठने के लिए, और यहाँ पे हम खा रहे हैं दाल राइस। इसके बाद आगे देखेंगे, यही खाना सेफ अभी मेरे लिए। खाना ये मैं दाल मैंने इस पर रखा और ये दाल पट से सूख गया, और इनके होटल में नींबू ही नहीं है। और ये डिज़ाइन भी बहुत प्यारा लगा मुझे, ऐसा कुछ अपने घर में भी होना चाहिए मस्त। पट से खाते और फिर सामने देखो धूप है, वहाँ पे बेबी टाइगर है, उसको फिर लेके चलना है और पेट्रोल भी भरना है उसमें। करूँगा पेट्रोल, क्योंकि मुझे ना गुजरात में पेट्रोल भरना है, गुजरात में सस्ता रहेगा, यहाँ पे 108 रुपये, गुजरात में 96-97 पेट्रोल रहेगा। यार है अभी पेट्रोल, बहुत है, जाएगा आराम से 50 किलोमीटर। राजस्थान पुलिस धन्यवाद, और गरबा खेलूंगा मैं तो गरबा खेलूंगा, गरबा खेलूंगा मैं तो गरबा खेलूंगा, मैं तो बाहर आ गया, मैं तो गुजरात आ गया, अब गुजरात में पहला पेट्रोल पंप ढूंढूंगा, फिर पेट्रोल भरूंगा, फुल टैंक करूंगा, फिर गाड़ी में रपा रप चलाऊंगा, गुजरात आ गया। और साइड में आ जाओ, चेकिंग होएगा, गुजराती गाड़ी छे, जाऊं दे भाई जाऊं दे। भरूच यहाँ से 76 किलोमीटर, हम पहुँच गए यहाँ पे MH 48। हमने लोनो वाला गांव, मतलब ये गांव मुझे याद है, इस बार अपने दोस्त से मिले नहीं, फटाफट डिस्टेंस कवर करना था तो मैंने उनको कुछ अपडेट किया ही नहीं यार, मुझे बिल्कुल अच्छा लगा नहीं। और अपना सफ़र बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा कटा, मतलब यार कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं और कोई तकलीफ़ देने वाला भी नहीं, मज़े से हम यहाँ तक आए और अच्छा खासा डिस्टेंस कवर किया है। दूसरी बार फ्यूल भरने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, और अभी डायरेक्ट हम पेट्रोल भरेंगे सूरत के आगे, क्योंकि एक बार फुल टैंक करने के बाद अपनी गाड़ी चली कम से कम 430 से 35 किलोमीटर, अभी दूसरी बार भरा हूँ, अभी 200 किलोमीटर हो गया है और 225 किलोमीटर चलेगा अपने गाड़ी। शाम के 5:20, यहाँ से सूरत 105 किलोमीटर, और 105 किलोमीटर हम 1.5 से 2 घंटे में पार करेंगे, मतलब 5, 6, 7 सात बज जाएगा, और वहाँ से अपना घर और 200 किलोमीटर। सो 200 किलोमीटर इन 5 घंटा, 5 घंटा प्लस 2 घंटा और 7 घंटे, मतलब घर पहुँचते पहुँचते 12 बज ही जाएगा। और अगर गाड़ी ख़राब नहीं हो रही थी और मुझे झपकी नहीं आती तो हम इस बार घर थोड़ा जल्दी पहुँचते, बट कोई बात नहीं। हमारे सौरव भाई वो दिल्ली पहुंच भी गए सुबह 10 बजे। इसका तो देखा है। हाँ 2-3 वीडियोस हैं जो वायरल हुए हैं। हाँ रील्स वगैरह तो देखा है, वो ये बाइक से थोड़ा पता था। हाँ 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 हाँ, ये पैनल ये यूज किया हुआ है, थोड़ा सा अलग लुक दिया है। बुलेट सिंह, बुलेट सिंह, हाँ नाइस मीट यू। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ पे? सूरत से थोड़ा पहले। अच्छा यहीं पे, क्या बोल, चलिए साथ में चलते हैं फिर। ओके अभी कहाँ गए थे? उदयपुर। वाह नाइस नाइस, चलिए। हाँ ओके ओके नाइस, ओके ओके। सो यहाँ पे दोस्त मिले। सो देखो अभी एक्सपल्स का जो इन्होंने जो एक्सपल्स को किया है ना, आप ये भी कर सकते हो। हाँ लेकिन एक्सपल्स पे थोड़ा कम जब लोड डालोगे ना
तो आप एक्सपल्स को उड़ा सकते हो और उड़ाने में फिर मज़ा आएगा। मतलब जो भाई मिले थे वो एक्सपल्स को 9500 में लेके चल रहे थे, मैं इसको 80 प्लस में लेके चल रहा था, तो उनके साथ मुझे मज़ा आ गया राइड करने में। मतलब मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ और हम लोग मस्त यूं चल रहे हैं, तो अब मैं भी उसी फ्लो में ही चलूँगा। तो भाई वहाँ से वो पीछे चले गए, एग्जैक्ट सूरत के कुछ 20-25 किलोमीटर पहले उन्होंने लेफ्ट टर्न ले लिया और मज़ा आ गया। अब हम यहाँ से यूं करते हुए 95, 94, 93 के स्पीड में चलते हैं हम। ये देखो ये जो एरिया है ना, जैसे पंजाब में एरिया है या करोल बाग में, हाँ, जहाँ पे टायर मैकव्हील्स व्हील्स मिलते हैं यहाँ पे भी मिलते हैं। ये एक एरिया है सूरत के बाहर और सूरत से पहले, मुझे याद है अच्छे से, एक दिन आरिफ को लेके आऊँगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक जंक यार्ड भी है, बहुत बड़ा जंक यार्ड है, वो भी आपको दिखाया हूँ बहुत बार, जब भी इस रोड पर आया हूँ तब भी दिखाया हूँ मैं। अब देखते समीर पहचानता है कि नहीं मुझे, पिछले साल दोस्त लोग के साथ, इस बार अकेले। हो हो समीर। वैसे समीर भाई ये मेरा आखिरी खाना रहेगा, इसके बाद सीधा घर पे रुकने वाला हूँ मैं 200 किलोमीटर बाद। तो भाई हम अभी पहुँच गए सूरत समीर भाई के पास। समीर एक देखो वहाँ पे नाम लिखा हुआ है, और मैं जब भी मतलब सूरत से निकलता हूँ तो यहाँ तो होके जाता हूँ, तो इस बार मैं 10 महीने बाद आया हूँ। पिछली बार हम 3 जन थे हमारे ले रेड के जो दोस्त लोग उनके साथ में थे, और यहाँ पे हमने सब अंडे का एकदम एक से एक आइटम है भाई, वहाँ पे पूरा लिस्ट बना हुआ है। अगर आपने पिछले साल का ब्लॉग नहीं देखा है तो देख लेना, ले लद्दाख का मजा आएगा। तो समीर भाई एक प्यारा सा मस्त बना दो। तो यहाँ पे अपना आखिरी खाना आ चुका है, ये खाने के बाद सीधा घर पे। तो हमेशा की तरह मतलब लास्ट स्टॉप मेरा सूरत रहता है, और सूरत से समीर भाई का ऑमलेट वाला आइटम खाने के बाद इतनी एनर्जी आ जाती है कि सीधा हम घर पहुंच जाते हैं। तो ये इसका क्या नाम है? इसका SSP1 स्पेशल। यह क्या बात है, वाओ क्या बात है। चलो और यहाँ भी मज़ा आ जाता है जब भी आता हूँ मैं। सो यहाँ पे हमारा नाश्ता हो चुका है हमारे समीर भाई का, शॉप देख लो धीरे धीरे मतलब ये माशाल्लाह इतना डेवलप होते जा रहा है। ये क्या है, हंडी में तैयार किया क्या? ये हंडी में आएगा, क्या बात है, मज़ा नहीं आया तो पैसा नहीं देने का भाई। एक आइटम तो देखो यार बहुत अच्छा ऑफर है, मतलब मज़ा नहीं आया तो आपको पैसे वापस मिलेंगे, मतलब क्वालिटी है इसका मतलब इसमें। चलो बुलेट सिंह आपको यहाँ पे कह रहा है कि बुलेट सिंह की जो बेबी टाइगर है वो 14 लीटर में 410 किलोमीटर बुलेट सिंह की एक्सपल्स चलती है, 14 लीटर में 410 किलोमीटर। और यहाँ का पेट्रोल रेट है 96, मतलब अपना काम 500 में हो जाएगा। यस देख रहे हो पूरा चूस लिया इसको। अब जीरो करके डालना चालू कीजिए, हम आपको कहेंगे स्टॉप, अब हो जाइएगा स्टॉप। बस इतना बस हुआ घर जाने के लिए 537। सो ये यहाँ पे गिर गए, हाँ आधा ठेवा, लागला है तेना हाथा मध्य लागला है। पूरे का पूरे 70 दिन हमने राइड किया, ऑल इंडिया राइड का 70 दिन भी नहीं, मतलब 62 महीने 11 दिन हमने राइड किया।
और उसके बाद घर पहुंच गए। ऑल इंडिया राइड ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। मेरा जो मकसद था इंडिया को देखना अपने नज़रिए से, उसको समझना और अपने तरीके से व्लॉग बना के आपको दिखाना। और हमने पूरे के पूरे 15,000 किलोमीटर राइड किया। 15,000 किलोमीटर में बाइक का जो परफॉर्मेंस था बहुत ही ज़बरदस्त था। मैं एक और छोटा सा ब्लॉग लेके आऊँगा जिसमें बाइक के बारे में कितना खर्चा गया, राइडिंग में क्या कौन कौन से हमने सिटी कवर किए, क्या क्या कवर किए और कितने सारे दोस्त मिले, सभी को थैंक यू सो मच। और यह राइड किन के वजह से हुआ हम ये भी बताएंगे। हर एक का नाम तो याद नहीं है लेकिन हर एक को मैं सैल्यूट करता हूँ, थैंक यू सो मच, आप लोगों के वजह से ये राइड कंप्लीट हो पाया है। सो इस वक्त मैं आ चुका हूँ अपने गांव में। ये देखिए, मुझे लगा कि पहाड़ है पीछे, पहाड़ बिल्कुल नहीं है। सो गांव आने का कोई व्लॉग नहीं है, गांव शादी में आए हैं भाई के, लेकिन गांव में एक प्रॉब्लम आ चुका है। यहाँ पे बिहार में इंटरनेट सेवाएँ बंद कर दी गई हैं। यहाँ पे अलग ही सब कुछ आर्मीज के अलग ही रूल्स नए आए हैं जिसकी वजह से बहुत दंगा हो रहा है, सबसे ज़्यादा बिहार में हो रहा है। सो व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। मैं थोड़ा सा नर्वस हो चुका हूँ। एक बच्चा टेरेस के ऊपर से देख रहा है कि कौन है, ससुराल वीडियो कॉलिंग में बात कर रहा है कि मजाक कर रहा है टेरेस पे आके। सो मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। सही सलामत गए और सही सलामत आए। अपना राइड बहुत ही मक्खन जैसा रहा, बिल्कुल कहीं भी तकलीफ नहीं हुआ, मज़ा आ गया, जिसमें हमने एकदम सच्चे वाले जेन्युइन वाले कॉन्टेंट व्लॉग बनाए जो लोगों ने देखा आपने। मिलते हैं दूसरे व्लॉग में गाइस, बाय बाय।